नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि मथुरा के गोवर्धन में दांघाटी मंदिर के पास बरगद का पेड़ टूटकर गिर गया, जिससे कई श्रद्धालु बाल बाल बच गए। मामला उस समय का है जब गोवर्धन दांघाटी मंदिर और थाना गोवर्धन के बिल्कुल समीप एक विशालकाय बरगद का पेड़ अचानक टूटकर गिर गया। अड़ का एक हिस्सा अचानक टूटकर गिरने से एक फोन लाइन का लट्ठा भी गिर गया और एक विशाल बोर्ड भी उस टूटे हुए हिस्से की चपेट में आ गया। हालांकि एक बड़ा हादसा होते होते टल गया, क्योंकि जिस जगह पेड़ का हिस्सा गिरा था वहां कई ढकेल भी लगती और अक्सर श्रद्धालु उस पेड़ के नीचे भी खड़े हो जाते हैं। गनीमत रही कि जिस समय पेड़ का हिस्सा टूटकर गिरा उस समय नीचे कोई मौजूद नहीं था। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उस टूटे हुए पेड़ के हिस्से को कटवाकर अलग कर दिया और सड़क से हटवा दिया गया है। मथुरा के गोवर्धन से शिव शंकर शर्मा की रिपोर्ट। सतीश कहाँ रहने वाला है? यही गोवर्धन दांघाटी मंदिर पीछे। ये जो बोर्ड गिरा है और ये टूटा, क्या मामला पूरा? ये बरसात के कारण गिर चुका है जी। बहुत यात्री खड़े थे, यदि दुर्घटना बचने से होते होते रुकी है, नहीं कहा से कुछ हो जाता। यदि बरसात के कारण ये गिर गया, वजन हो गया इस पे, दाल बहुत मोटी थी, किसी भाजपा से बच गया। और ये लटका हुआ है, तो प्रशासन का कोई आदमी तो उठाने के लिए आया? आए थे कुछ, पता नहीं, सफा भी हो गया, बहुत बड़ी दाल थी इधर और गंदगी बहुत हो गई थी। अपने हाथ से सफा करिए इन लोगों ने। अब करने वाला आएगा तो ये भी गिरने वाला है थोड़ी देर में, कुछ थोड़ा थोड़ा इसका हुआ है, कभी भी गिर सकता है। मतलब इसको जल्दी से जल्दी हटवाइए, घर से किसी का कुछ भी हादसा हो सकता है। कोई टोटल हुआ से नहीं, किसी का भी